जमान पारक से बड़ी रकम और अजहर मशवानी की गुमशुदगी। सोशल मीडिया पर इमरान खान के फोकल पर्सन अजहर मशवानी का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। अजहर मशवानी की अहलिया के मुताबिक वो जुमरात की दोपहर 2 बजे से लापता हैं। पुलिस का कहना है कि अजहर मशवानी के बारे में कोई मालूमात नहीं, जबकि पीटीआई के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने 2 दिन पहले दावा किया था कि अजहर को पुलिस ने गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया है। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि अजहर मशवानी की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद अजहर मशवानी ने लाहौर की सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिस पर अदालत से पुलिस से जवाब तलब कर लिया था। अजहर मशवानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर तरीके इंसाफ के फाल तरीन मेंबर माने जाते हैं, और इन पर यह भी इल्जाम सामने आया है कि अजहर मशवानी 30 से ज्यादा फेक अकाउंट चला रहे थे, जहाँ से पाकिस्तानी फौज को गालियाँ दी जाती थी। इन फेक अकाउंट्स में से डॉक्टर फातिमा के नाम बनाया गया अकाउंट उभर कर सामने आया था। इसके साथ जमान पारक से गुम होने वाली एक बड़ी रकम के गैर मुसद्दका मामले में भी अजहर मशवानी का नाम लिया जा रहा है, और इस बुनियाद पर दावा किया जा रहा है कि अजहर मशवानी एजेंसियों के पास नहीं बल्कि पीटीआई की क्यादत ने ही इन्हें गायब कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला नाना सनाउल्लाह से जब एक TV प्रोग्राम में पूछा गया कि इमरान खान के तर्जमान कहाँ हैं, तो उनका जवाब था कि अजहर मशवानी PTI के पास हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि तरीके इंसाफ के झूठा बयाने घड़ते हैं और फिर उस पर जोर देते चले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अजहर मशवानी की गुमशुदगी के बाद से ट्विटर पर PTI के अलावा दीगर सियासी जमातों और लीडर के खिलाफ बेहुदा ट्रेंड में कमी देखी गई है।